हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, चंगे, जिम विम जा रहे होंगे। और अच्छा, आज हम बात करेंगे गेनिंग स्टैक के बारे में, ठीक है कि नहीं? कौन सा गेनिंग स्टैक यूज़ करा जाए अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई गेनिंग स्टैक यूज़ करना चाहता है, ठीक है, और जिसमें कि उनको लीन गेंस भी मिले, पावर भी मिले, स्ट्रेंथ भी मिले और मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ में, ठीक है। आप कोई भी कंपाउंड यूज़ करते हैं MK677 के अलावा, आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके के जो है साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, आप उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम MK677 ऐसा कोई कंपाउंड आता नहीं है जिसमें कि आपको साइड इफेक्ट ना हो। कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, आप उसको जो है क्योर कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट यू कैन डू द बेस्ट। ओके, तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं या जिनको जिम करते हुए 8-9 महीने, 10 महीने या 1 साल हो चुका है, दे वॉन्ट टू गो यू नो नेक्स्ट लेवल, थोड़ा सा अप, वन नॉच अप जाना चाहते हैं, तो वो कौन से कंपाउंड्स को जो है यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप दो कंपाउंड्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको मैसिव गेन्स, लीन मसल गेन, पावर, स्ट्रेंथ देगा इन द जिम। अगर आपकी बेंच प्रेस है, मान लीजिए अगर आप 50 kg की मार रहे हैं, तो डेफिनेटली आफ्टर यू नो यूजिंग 2 weeks, 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आप यू विल स्टार्ट हिटिंग एटलीस्ट 55 kg और 58 kg ऑफ बेंच प्रेस। डेडलिफ्ट अगर आपकी 100 kg की है तो आपकी 115-120 तक आप जा सकते हैं। अगेन आपकी डाइट भी इसमें जो है रोल प्ले करती है, अकेला ऐसे ही नहीं कि आपने कोई कंपाउंड ले लिया, ठीक है, और सिर्फ वो कंपाउंड ही काम करेगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी डाइट हो गया, आपकी स्लीप हो गई, रेस्ट, सब जो है कलेक्टिवली काम करते हैं, अकेला एक कंपाउंड कभी भी काम नहीं करता। आप अगर किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट ले रहे हैं, तो उसको भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ रेस्ट, इन टर्म्स ऑफ डाइट, ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बायोड्रॉल पहला और दूसरा M1T। M1T के ऊपर भी मैंने एक वीडियो प्रॉपर एक मैंने बना रखा है कि M1T काम कैसे करता है, मिथाइल 1 टेस्टोस्टेरोन, ये कटिंग के अंदर और गेनिंग के अंदर आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंस्ट्रॉल हो गया, प्रीमो हो गया, ट्रेन हो गया, उस तरीके से ये काम, ये वो नहीं है लेकिन उस तरीके से आपको काम करता है, लीन मसल गेनिंग आपको देता है, स्ट्रेंथ काफ़ी आपकी बढ़ जाती है। और मायोड्रॉल, अब ये मायोड्रॉल 1500 mg का है प्लस आप M1T, अगर आप इसका स्टैक यूज़ करते हैं, अब आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कि आपका जो साइज गेन होता है इन लेस देन 10 डेज, क्योंकि 1500 mg का मायोड्रॉल है, ज़बरदस्त आपको पावर देगा, स्ट्रेंथ देगा, स्टेमिना देगा, आपका रिकवरी आपकी बहुत बढ़ जाएगी बिटवीन द सेट्स। आपने एक सेट मारा 7 का या 8 का मारा, आप टाइम यू नो आप रेस्ट लेते हैं 1 मिनट का 2 मिनट का, डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप में इतनी एनर्जी जो है इन्फ्यूज़ कर देता है कि आप यू जस्ट गो वन आफ्टर अनदर सेट्स, ठीक है, पावर आपकी काफ़ी बढ़ जाती है इसके साथ, और स्ट्रेंथ में आपको देखने को मिलता है, आपकी जो बेंच प्रेस है या आपकी डेड लिफ्ट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। आप इसको जब M1T के साथ में यूज़ करते हैं तो ये आपको ड्राई गेंस आपको हेल्प करेगा, यू विल गेट ड्राई गेंस, ठीक है कि नहीं? वाटर होल्ड हो नहीं पाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ज़्यादा वाटर होल्ड करने भी नहीं देगा M1T, तो जो भी आपकी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा वाटर होल्ड होगा वो निकलेगा और आपको मिलेंगे ड्राई गेंस, लीन मसल मास आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप मायोड्रॉल के साथ में M1T को यूज़ करते हैं। अगेन ज़रूरी नहीं कि आपने इसी ब्रांड का M1T यूज़ करना है, आपको कोई भी अवेलेबल है यू नो इन द मार्केट या आपके कोच के पास जिससे भी आप लेते हैं, अगर आपके पास किसी और ब्रांड का भी M1T है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि उस ब्रांड की जो एक रेपुटेशन हो, उसकी जो पोटेंसी उतनी हो जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिलता है, नहीं तो आपको ज़्यादा डोजेज लेनी पड़ती है। होता उनमें भी है समान, ऐसी बात नहीं है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको डोजेज आपकी बढ़ती है और आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे एडवांस फार्मा है, बहुत पुराना ब्रांड हो गया, मोर देन 10 ईयर्स यू नो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहा है, एंड ये गोल्डन मॉन्स्टर का जो है मायोड्रॉल है 1500 mg का, ज़बरदस्त। आई थिंक जिसको भी ये मायोड्रॉल गया है उसने कभी भी ये नहीं बोला कि उनको दे हैवेंट गॉट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स या यू नो बेकार है, पावर नहीं मिला, स्ट्रेंथ नहीं मिला, साइज नहीं मिला। डेफिनेटली यू नो दे इन्जॉय वट एवर दे यू नो इफ दे हैव यूज दिस प्रोडक्ट, डेफिनेटली दे इन्जॉय द प्रोडक्ट। तो ये कोई अगर इसको यूज़ करना चाहता है, लाइक जिसको जिम करते 1 साल हो गया है, अगर आपने 5-6 महीने से कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, पहले आप नेचुरल जिम करते रहिए, अपना प्रोटीन लीजिए, क्रिएटिन लीजिए, उससे अपने जो है अपना आप हेल्प, क्रिएटिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको साइज मसल मास गेन करने के अंदर, आपकी स्ट्रेंथ पावर काफ़ी बढ़ जाती है अगर आप क्रिएटिन यूज़ करते हैं तो।
एक साल हो गया आपको जिम करते हुए या 1.5 साल हो गया एंड यू वांट टू गो नेक्स्ट लेवल, डेफिनेटली आप ये कंपाउंड्स को यूज़ करके देखें, ठीक है कि नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन है, स्टैक है माइड्रोल का और एम1टी का, एंड यू विल सी द चेंज इन लेस देन 10 or 12 days, मैसिव गेंस, मैसिव पावर, मैसिव स्ट्रेंथ। तो ये है, बाकी आगे और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा अलग अलग गेनिंग कंपाउंड के ऊपर। ये तो था कि चलो जो फर्स्ट टाइमर्स जो यूज़ करना चाहते हैं 1.5 साल के जिम करने के बाद उनके लिए है, बट जो लोग काफ़ी टाइम से जिम कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 4-5 साल से कर रहे हैं, डिफरेंट स्टैक कटिंग के हो गए या गेनिंग के हो गए, डेफिनेटली आई विल मेक यू नो फ्यू वीडियोज़ ऑन देम। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं अगले नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।